सोलन में यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते आज सोलन के विभिन्न स्थानों पर नाके लगाए गए और नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान काटे गए। इस मौके पर ई मोबाइल ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट गौरव कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने जहां एक और चालान काटे, वहीं ट्रैफिक नियमों की पालना न करने वालों को नियमों के प्रति जागरूक भी किया और उन्हें सख्त चेतावनी दी है कि अगर वह दोबारा नियमों की अवहेलना करते हुए पाए गए तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल नवीन कुमार ने कहा कि आज मोबाइल ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट सोलन गौरव कुमार के निर्देशानुसार सोलन शहर के सप्रून में नाके लगाकर यातायात नियम की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई गई और करीबन 20 चालान काटे गए। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य केवल चालान काटना नहीं है, बल्कि ट्रैफिक नियमों की अनुपालना न करने वालों को सीख देना और जागरूक करना है। इसी उद्देश्य से वो शहर में चालान कर रहे हैं, ताकि नियमों की अवहेलना करने से कोई युवक किसी दुर्घटना का शिकार न हो और अपने जीवन से हाथ न धो बैठे। उन्होंने कहा कि शहर में नियमों की अवहेलना करने से दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिन पर अंकुश लगाना इस मुहिम का लक्ष्य है। आज मोबाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट सोलन के नेतृत्व में यातायात चेकिंग सुप्रून चौक पे की जा रही है, जिसमें पुलिस थाना सदर, यातायात इकाई व हमारी जो चौकियां हैं उनके कर्मचारी शामिल हैं। इस ट्रैफिक चेकिंग का उद्देश्य है हमारा वो यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले जो भी चालक हैं उनको उनके चालान करना है। और अभी तक हमने 20 चालान कर दिए हैं और करीब 21,000 रुपये फाइन इम्पोज कर दिया है। सुपीरियर ऑफिसर्स का आदेश है, चालान करना हमारा मुख्य मकसद नहीं है। सड़कों में जो हमारे युवा पीढ़ी यातायात नियमों की उल्लंघना करते हुए जो अपना खून बहा रही है उसको हमें रोकना है। मतलब जो एक्सीडेंटल केसेस है उन पर अंकुश लगाना मुख्य मकसद है, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपना यौवन है वो कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाए, ना कि यातायात का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर अपना खून बहाएं।